मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की इजादात व इख्तिराद का दौर है, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। इस दौर ने इंसान को जहाँ बहुत सारी सहूलतों और आसानियों से नवाजा है, वहीं बहुत सी चीजों का हकीकी लुत्फ मजा छीन लिया है। मशीन के इस दौर में इंसान भी मशीनी की तरह काम की अंजाम दही में लगा हुआ नजर आता है। खुश तबई रंगारंगी और दिलचस्पी की जगह अब जाहिरी मसनू जाहिरी बेकैद जिंदगी ने ले ली है। चुनांचा मुताला कुतुब दीनी का जौक जो माजी में था अब वो रफ्ता रफ्ता खत्म होता जा रहा है, बल्कि इस खूबसूरत दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। पहले लोग जहाँ किताबों के मुताले और शेर अदब के चुस्के से अपने औकात को गुजारा करते और अय्यामे फिरागत को कीमती बनाकर गुजारा करते, अब इसकी जगह मोबाइल फोन इंटरनेट और मोबाइल फोन ला यानी मशगूलों ने अपना सिक्का बिठाया है और हर कोई पढ़ने के बजाय मोबाइल फोन में मशगूल नजर आता है। किसी दौर में किताबों से अलमारियों को सजाए रखना और नई नई किताबों से अपने जौक की तस्कीन करना बाहर से फक्र समझा जाता था और अब ऐसे बाजौक ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। किसी का चश्मे कौल है कि जब किताबें सड़क के किनारे पर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तो समझ लेना लोगों को इनकी नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। तरक्की के इस दौर में हर चीज कंप्यूटराइज हो चुकी है, घर बैठे दूर दराज की चीजें आसानी से हासिल हो रही है। जहाँ कंप्यूटर के जरिए बहुत सारी सहूलतें पैदा हुई है, वही किताबों के मजमुआ जल्द हाथों में उठाए पढ़ने के बजाय पीडीएफ की शक्ल में पढ़ी जा रही है। इससे यकीनन बड़ी सहूलत हो गई है और नादर बनाया किताबें दस्तयाब होने लगी है, बगैर खर्च के मुफ्त में किताबें हासिल हो रही है। लेकिन मुताले का जो हकीकी लुत्फ मजा था वो नहीं रहा, इसके अफानियत से इनकार नहीं, लेकिन इन किताबों की इस खूबसूरत दुनिया की वीरानी का गिला शिकवा भी है। कुतुब खाने खाली होते जा रहे हैं, तबाशुदा किताबें चल अफराद के अलावा कोई लेने के लिए तैयार नहीं और हर कोई मुफ्त की किताबें मोबाइल फोन या कंप्यूटर में डालकर पढ़ने की फिक्र में है। अर्ज ये के बहुत सारे तारीख साज अफराद गुजरे हैं जिन्हें किताबों से वालहाना ताल्लुक था, वो इनकी महबूब दुनिया थी और आज के इस दौर में हमें जरूरत है कि हमारा रिश्ता किताबों से इस्तवार रहे और सहूलत के बावजूद हम किताबों को पढ़ने वाले और बाज़ाब्ता लेकर मुताला करने वाले बने। हमारी थोड़ी सी बेतवज्जही अजीम खसारा का सबब होगी और हम आने वाली नस्लों को पाकीज़ा ज़ौक और इल्मी मीरास को मुंतकिल करने से महरूम रहेगी। मैं इख्तिताम इन अल्फाज़ों से करना चाहूंगी कि लफ्जों को किताबों में खामोश न रहने दो, लफ्जों को किताबों में खामोश न रहने दो, कुछ बात करो इनसे कि ये भी है ज़ुबां वाले। अस्सलाम वालेकुम।